हेलो क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11C. इन क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक एंड राइट द टाइम इन द 12 आवर्स एंड 24 आवर्स फॉर्मेट. हमें यहाँ पे 12 आवर एंड 24 आवर का यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है. अब देखिए बेटा, हमें यहाँ एक क्लॉक दिया गया है 12 आवर 24 आवर्स. 12 आवर्स मतलब जो हमारे पास क्लॉक दिया होता है 1 to 12, ये हो गया 12 आवर. उसके बाद 24 आवर्स मीन्स वन डे में 24 आवर्स होते हैं. तो वन डे में मतलब 12, वन से लेके 12 तक जब होते हैं, तो दोपहर के 12 बजे तक जब होते हैं तो वो 12 आवर्स होते हैं. और दोपहर के जब 1 बजते हैं तो उसको हम आफ्टर 12 आवर्स कहते हैं. मीन्स वो 13 आवर्स हो जाता है. 1 o'clock मीन्स 13 आवर्स. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स कैसे होते हैं. अब यहाँ देखिए, रात के 12 बज गए. रात के 12 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो वो 1, 2, 3 इस तरह से होता है कि सुबह के 6 बज गए, ठीक है, फिर सुबह के 10 बज गए, फिर सुबह के 12 बज गए हैं. 12 बजे के बाद जब टाइम आता है वापस 1 o'clock पे, ठीक है, फिर हम कहते हैं दोपहर के 1 बज गए, तो वो 1 नहीं होता है. तो वो 12 के बाद 24 आवर्स में उसको 13 कहते हैं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 जब वापस रात के 12 बजते हैं तो उसको 24 आवर्स कहा जाता है. क्लियर? अब इसी के बेस पे हम अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे. नाउ यहाँ देखिए, हमें एक क्लॉक दी गई है. क्लॉक में दिया गया है 7:15, ठीक है, ये टाइम दिया गया है. लेकिन हमें ये पता करना है कि दिन का टाइम है कि रात का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं या शाम के 7 बज रहे हैं. तो यहाँ देखिए बेटा, साइड में हमें एक पिक्चर दिया हुआ है. यहाँ देखिए सन बना हुआ है. तो सन बना हुआ है मीन्स ये हमारे सुबह के 7 बजे का है. तो इसको 12 आवर्स में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ 12 आवर्स में होगा ये 7:15. क्लियर? जब ये सुबह का होता है तो ये 7:15 AM हो गया. अब जब इसे हमें 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 24 आवर्स में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ये होता है 07, 7:15. टू नंबर्स के यहाँ डिजिट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने 2 digit करने के लिए 0 लिख दिया. अब इसको हम 24 आवर्स में जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा 07:15. ठीक है, 24 आवर्स में वो इस तरह से लिखा जाता है. इसमें 24 आवर्स में ना AM लिखा जाता है ना PM लिखा जाता है, सिर्फ जो टाइम होता है उसको इस तरह से हम मिला के लिख देते हैं. तो ये हो जाता है 24 आवर्स और यहाँ पे सिर्फ आवर्स लिखा जाता है. ठीक है, तो इसमें AM PM ये सब नहीं लिखा जाता है. तो इसी तरह से देखिए, मैं एक सी वाला और एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी वाले में जो टाइम हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5:40 हो रहा है, क्योंकि जो स्मॉल हैंड है वो 5, 4 और 5 के बीच में है. मीन्स यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है. ठीक है, अभी ये पूरी तरह से 5 नहीं हुआ है, 4 और 5 के बीच में है. मीन्स यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है. और ये जो हमारा मिनट हैंड है ये 8 पे है. 8 पे है मीन्स ये मिनट हैंड कितने पे है, तो ये 30, 35 and 40. क्लियर? तो टाइम हो रहा है 4:40. तो 12 आवर्स में होगा ये 4:40. अब ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे मून बना है, मतलब ये शाम की सीन है, तो इसलिए यहाँ पे PM होगा. नाउ 24 आवर्स में कैसे होगा ये? 24 आवर्स में जब दोपहर में 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद मैंने आपको बताया है कि ये 24 आवर्स में 13 हो जाता है. तो इसके बाद हम काउंट करेंगे कितना टाइम हो रहा है, 13, 14, 15 and 16. तो यहाँ पे 16 आवर्स और मतलब मिनट कितना है, 40, तो ये 40 आवर्स. क्लियर? तो 24 आवर्स में इस तरह से होगा 16:40. नाउ क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए, 12 आवर्स में यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 12. ठीक है, 12. अब यहाँ पे देखिए, सन बना है, मीन्स ये दोपहर के 12 बज रहे, तो ये हमने यहाँ नून लिख दिया. अब इसको 24 आवर्स में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ इस तरह से.
ठीक है, मीन्स ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो इसी तरह से आपको बी डी एफ, बेटा ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द टाइम इन द 24 आवर फॉर्मेट। हमें यहाँ जो टाइम दिया गया है इसको 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ देखिए 10 PM मतलब ये रात का टाइम है, PM है इसलिए रात का टाइम है, मतलब कितना 24 आवर्स में किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोपहर में 12 बजे के बाद हमें यहाँ 10 पे पता करना है, तो आपको क्लॉक देख के ही बनाना है इसको। अगर आपको एग्ज़ाम में आता तो आप कहीं पे भी एक रफली एक क्लॉक बना लीजिए, फिर उसको देखते हुए सॉल्व करिए। अब देखिए 10 मतलब कितना टाइम, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। 10 ओ क्लॉक मतलब ये हो गया 22 आवर्स, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट 7:05 PM, 7:05 PM मीन्स वही शाम का टाइम है, तो हम 7 ओ क्लॉक तक फिर ऐसे काउंट करेंगे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 7 ओ क्लॉक मतलब 19 और ये 5, क्लियर ना। नेक्स्ट यहाँ पे 4:50 मीन्स 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 50, ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको लिखना है। नाउ 1:40 AM, AM मतलब यहाँ पे रात का है, 12 बजे के बाद जो है वो AM हो जाता है, रात के 12 बजे के बाद, तो यहाँ रात के 1 बज रहा है, मतलब यहाँ पे रात का टाइम है, मतलब ये AM है, AM मतलब दिन का, तो ये होगा 1:40 और इसके आगे 0, क्योंकि जो 24 आवर्स होता है वो अक्सर 4 डिजिट में लिखा जाता है, क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे 1 के पहले हम 0 लगा देंगे, मतलब 1:40 आवर्स। तो इस तरह से आपको ई वाला क्वेश्चन खुद से आप लोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द टाइम इन द 12 आवर्स फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखिए 24 आवर्स में दिया गया है, अब हमें इसे 12 आवर्स में करना है, तो यहाँ देखिए 10:15 आवर्स, यहाँ पे पूरे 10:15 है, 12 के पहले है, मतलब ये 10:15 ही होगा और ये होगा AM, 12 के पहले इसलिए 10 है, 12 के बाद होता तो वो 13 में होता है। अब देखिए यहाँ 14 है, 14:45 मीन्स ये 12 के बाद का टाइम है, तो यहाँ 14 मतलब यहाँ देखिए कितना टाइम हो रहा है, 12, 13, 14 मतलब 2 o'clock, तो 2:45 और ये 12 के बाद है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा PM। नेक्स्ट 19:50 मीन्स 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मीन्स 7:50 PM, क्योंकि 12 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस तरह से आपको बचे हुए क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व करना है, क्लियर। तो बेटा यहाँ हमारी आज की एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।